हेलो गाइस, स्वागत है आपका शैडो किंग चैनल पे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि हम शुगर केन फार्म कैसे बना सकते हैं, वो भी जीरो टिक बेडरॉक एडिक्शन के लिए। तो मैं शुगर केन फार्म बनाने के लिए इन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप देख लीजिएगा। एग्जैक्टली ये नहीं, बट हाँ, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो हमें ये चाहिए फ़िलहाल, ये और ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी सॉलिड ब्लॉक लेना है, उसके बाद उसको 1 2 3 ऐसे प्लेस करना है, और एक ही टेम्प्रेरी ब्लॉक रख के एक इस साइड, और फिर इसको ब्रेक कर देना है। उसके बाद रेडिस्टन रिपीटर लेना है, उसको इस तरीके से कुछ रख देना है जो इस तरफ इस साइड फेस हो, उसका देख लो इस साइड फेस होना चाहिए। उसके बाद रेडिस्टन टॉर्च लेके एक यहाँ लगा देना है, उसके बाद में एक रेडिस्टन रिपीटर यहाँ पर। तो इससे क्या, एक क्लॉक बन जाएगी, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक लेवर चाहिए था। लीवर को यहाँ पे लगा देते हैं अभी इसको टेम्प्रेरी रोकने के लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और 3 ब्लॉक कुछ ऐसे रख देना है। और उसके बाद हमें एक स्टिकी पिस्टन लेना है और एक यहाँ पे ऐसे लगा देना है, देख लेना गाइस, इस साइड फेस होना चाहिए। उसके बाद एक रेड स्टोन लेके यहाँ पे लगा देना है, इससे ये एक्सटेंड हो जाएगा पिस्टन। उसके बाद में एक सैंड यहाँ पे रखना है, और एक सैंड यहाँ और एक सैंड यहाँ। उसके बाद में सॉलिड ब्लॉक लेना है कोई भी, और 3 ऐसे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक रेगुलर पिस्टन लेना है, रेगुलर पिस्टन को कुछ इस तरीके से लगा देना है, ठीक है गाइस। ये हमारा लगभग आधा फार्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमें चाहिए कोई भी सॉलिड ब्लॉक लेना, उसके बाद एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ, ठीक है गाइस। उसके बाद एक यहाँ लगाना है गाइस। उसके बाद आपको चेस्ट लेना है, चेस्ट और एक हॉपर, एक चेस्ट यहाँ लगा देना है, और यहाँ पे आके इस ब्लॉक को ब्रेक करके क्राउच करके एक हॉपर लगा देना है यहाँ पे, ठीक है गाइस। उसके बाद में कोई भी सॉलिड ब्लॉक लेके 1 2 3 सॉलिड ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है, और इसके ऊपर 3 और फिर ऊपर जाके यहाँ पे 3 और, ठीक है गाइस। उसके बाद में आपको क्या करना है, वाटर बकेट लेना है, और ये ब्लॉक ब्रेक करना है, ये ब्रेक करना है, यहाँ पे वाटर डाल देना है। उसके बाद में सैंड लेके यहाँ पे सैंड रखनी है यहाँ पे हम ब्लॉक में। तो उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आके एक ब्लॉक यहाँ पे रखना है, एक और रेडस्टोन रिपीटर लेके कुछ इस साइड से इस तरीके से प्लेस करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद में एक ब्लॉक यहाँ पे, ये टेम्प्रेरी ब्लॉक, ये परमानेंट ब्लॉक, इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इसको तोड़ देना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलो आपको रेड स्टोन लेना है और पूरे में बिछा देना है यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पिस्टन जो है वो वर्क करने लगेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेनी है शुगर केन जी, है सिर्फ बस और थोड़ा सा और काम है, बस शुगर केन लेनी है आपको, और यहाँ पे लगा देनी है, बस आपका काम लगभग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप चाहे तो ग्लास लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ब्लॉक लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी का। मैं ग्लास लगा रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है गाइस। सो गाइस, उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, नीचे आके ये जो है ठीक इस पिस्टन के नीचे वाला ये ब्लॉक तोड़ देना है आपको, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस ये हो गया आपका फार्म कंप्लीट। उसके बाद आपको ये लीवर दबा देना है, बस आपका फार्म चालू। बहुत ही जल्दी आप बहुत सारे शुगर केन ले सकते हैं, इंसेंटिंग बुक बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो ये हमारा हो गया फार्म कंप्लीट, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में ट्यूटोरियल्स के। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।